हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ विद नील। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मीशो के क्लचेस एंड स्लिंग बैग्स का हॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट क्लच जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है, देखिए ये प्यारा सा ब्लैक कलर का ब्लिंगी सा क्लच। देखिए अच्छी इस पर डिटेलिंग है गाइस, गोल्डन थ्रेड से ये वर्क किया हुआ है, इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये इसका हुक लॉक है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे ओपन होता है, ये देखिए ये इसमें हमें इतनी स्पेस मिल जाती है, बस इतना ही ओपन होता है ये। और इसके साथ ही हमें गाइस ये चेन मिल जाती है इसमें, ये देखिए। तो एज अ स्लिंग बैग भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत क्यूट है गाइस ये। और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ये देखिए बहुत प्यारा है, अच्छी खासी इतनी स्पेस है इसमें। अगर हम कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं तो अपना सेल फोन इसमें रख सकते हैं, अपने छोटे मोटा मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, इतनी स्पेस है इसमें। इसका प्राइस भी गाइस बहुत ही जेन्युइन है, शायद 280 या 284 इसका प्राइस है। तो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो है ये स्वेड मटेरियल में है और स्वेड मटेरियल के ऊपर ये गोल्डन थ्रेड से इस पर वर्क किया हुआ है। तो ये मैंने फर्स्ट परचेज किया मीशो से। तो गाइस, नेक्स्ट जो मैंने मीशो से परचेज किया वो एक पोटली बैग है, ये देखिए कितना क्यूट है। ये मल्टी कलर थ्रेड से इस पर वर्क हुआ है, ये देखिए कितनी अच्छे से इस पर डिटेलिंग की हुई है। इसकी भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है गाइस, ये पोटली बैग है। और ये देखिए इसमें कितनी क्यूट क्यूट सी लटकन दी हुई हैं दोनों तरफ से। और ये इसका हैंडल है, ये इस पर छोटे छोटे से बीड्स का वर्क है इसकी हैंडल में, और देखिए इतना क्यूट लगता है। इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा है, छोटे साइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। इसका प्राइस भी, इसका प्राइस सबसे कम था शायद 190 कुछ इसका प्राइस है, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर। इसको आराम से किसी साड़ी के साथ या किसी भी एथनिक वेयर के साथ हम कैरी कर सकते हैं। मैंने ये मल्टी कलर में परचेज़ की है ये पोटली, और भी कलर्स में अवेलेबल थी तो मैंने इस मल्टी कलर में इसलिए ली है ताकि मैं अपने हर एथनिक वेयर के साथ इसको कैरी कर सकें। जो स्लिंग बैग क्लच मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा फेवरेट है इस स्लिंग बैग कम क्लच हॉल में, वो है गाइस ये देखिए कितना क्यूट है। मल्टी कलर का क्लच बहुत प्यारा है, आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई रिसीव दिस क्लच। ये मल्टी कलर में है, देखिए इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा का साइज़ है इसका गाइस, छोटा साइज़ नहीं है। जब मुझे रिसीव हुआ तो मैं इसी बात से हैप्पी हो गई थी कि ये इसका साइज़ जो मैंने सोचा था उससे बड़ा आया है, तो इसलिए मैं काफ़ी हैप्पी थी। ये बाहर इसे मल्टी कलर फैब्रिक है और कुशनिंग हुई है इस क्लच में। ये यहाँ पे ब्लिंगी सा लॉक हमें मिल जाता है, ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, ये देखिए इतना सारा स्पेस हमें मिल जाता है इस क्लच में भी। ये जो ब्लैक मैंने आपको दिखाया है क्लच, उससे ज़्यादा इसमें हमें स्पेस मिल जाती है अपना सामान रखने के लिए। और इसमें भी गाइस ये हमें लॉन्ग चेन मिल जाती है, तो इसको भी हम एज अ स्लिंग बैग कैरी कर सकते हैं, बहुत क्यूट लगेगा। मल्टी कलर में है तो और काफ़ी फंकी और कूल लुक आ रहा है इस क्लच का। आप अपने किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हो, उस साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, तो ये हर आउटफिट के साथ जाएगा ये वाला क्लच, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। और इसकी जो ये चेन हमें मिलती है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है अगर मैं दूसरे का क्लच से कंपेयर करूँ तो, बट जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है मुझे तो इट्स अ वर्थ बाय फॉर दिस प्राइस। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज, ये मेरा फेवरेट है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये क्लच। तो गाइस, नेक्स्ट क्लच जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी एक ब्लैक कलर का क्लच है, ये देखिए काफ़ी ब्लिंगी सा है ये, काफ़ी पार्टी वेयर लुक दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। ये प्राइस तो इसका सही है 271 है, और मुझे रिसीव हुआ था तो मैं काफ़ी खुश भी हो गई थी इसको देख के। मैंने इसको ऑर्डर इसलिए किया था क्योंकि इसमें देखिए ऐसा हमें हैंडल मिल जाता है, ऐसे हैंडल मिल जाते हैं हमें जिससे हम इसको अपना ऐसे कैरी कर सकते हैं, काफ़ी कूल लगता है देखने में। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस ये वाला क्लच,
बट जो ये मुझे रिसीव हुआ है तो इसके जो ये हैंडल हैं जो आप देख रहे हो, ये बार बार यहाँ से लूज़ होके निकल जाते हैं। ये मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, आपको दिखाते टाइम भी ये दो बार निकल चुके हैं। ये यहाँ से जो है ना, ये हैंडल पूरे निकल जाता है यहाँ से, शायद इसका ये स्क्रू निकल जाता है, जिससे ये जो इनको जो स्क्रू इस हैंडल को होल्ड करते हैं ये बार बार निकल जाते हैं, बार बार निकल जाते हैं, तो ये हैंडल ना हाथ में आ जाता है। ये इसकी क्वालिटी बेकार है इसके बिल्कुल ना, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट जो जिससे ये इसका लुक आ रहा है इस क्लच का, ये जो हैंडल्स हैं यही स्टडी नहीं है और बार बार ये जो स्क्रू है ये निकल जाते हैं इसके और ये हैंडल हमारे हाथ में आ जाता है। दो बार हो चुका है मेरे साथ, मैंने दो बार लगाए हैं ये स्क्रू इसमें, अभी नहीं निकल रहे हैं बट ये दो बार निकल चुके हैं। तो ये भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं और पता चला कि क्लच ही हमारे हाथ से निकल के नीचे गिर गया तो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। तो ये बाहर की पार्टी में ले जाने वाला क्लच बिल्कुल भी नहीं है। तो आई एम गोना रिटर्न दिस क्लच एंड दिस इज़ नॉट अ वर्थ बाय 271 रुपीस। देखिए अगर हम ये क्लच ले रहे हैं तो इसे अच्छा है 100-200 रुपये और ज़्यादा डाल के थोड़ा अच्छा क्लच ले ले, अपने साथ ले जाने लायक नहीं है ये किसी पार्टी में। बाकी इसका आपको अंदर से दिखा देती हूँ, ये ऐसे जिप हमें मिल जाती है एक, और ये देखिए कंपार्टमेंट मिल जाते हैं हमें इसमें दो, और बीच में एक पॉकेट है। स्पेस तो है इसमें काफ़ी अच्छा बट वही है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट जो मैंने मीशो से क्लचेस ऑर्डर किए थे वो क्लचेस का कॉम्बो था जो मैंने ऑर्डर किया था मीशो से, जिनमें से एक क्लच ये है गाइस, ये देखिए सिल्वर कलर का ये क्लच है, कुछ इस तरह से दिखता है और इसमें हमें जिप मिल जाती है एक, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इसमें स्पेस काफ़ी सारा मिल जाता है वैसे तो, ये निकाल देती हूँ मैं इसमें से। ये देखिए गाइस स्पेस तो इसमें काफ़ी सारा है और ये एक चेन मिल जाती है तो इसे हम एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। जिप तो इसकी स्टर्डी है काफ़ी बट गाइस ये जो इस पर जो ब्लिंगी सा मटेरियल लगा रखा है ना, जो इस पर लगा हुआ है ब्लिंगी सा मटेरियल, ये देखिए गाइस ये मेरे पूरे हाथ में आ गया है। ये जो चमचम सी लगी हुई है ना, ये जो चमचम है ये पूरे मेरे हाथ में आ गई है ये देखिए। और ये सिर्फ मैंने अभी इसको ऐसे ऐसे सिर्फ पकड़ा है इस क्लच को और ये मेरे हाथों में आ गई है और मेरे क्लोथ्स पे भी लग गई है। तो ये डिसएडवांटेज है इस क्लच की। ये देखिए रिसीव भी कैसा हुआ है, ये इसमें से निकली हुई है जो इस पर लगाया हुआ है ना ये मटेरियल ब्लिंगी सा, देखने में तो बहुत कूल लग रहा है बट अभी जब मैंने इसको हाथ में लिया है तो ये देखिए पूरा मेरे हाथ में आ गई है ये चमचम। तो ये था फर्स्ट क्लच उस कॉम्बो से, तो ये तो एकदम नया है। सेकंड दिखा देती हूँ, सेकंड ये क्लच है गाइस, ये देखिए ये थोड़ा ब्रॉन्ज कलर में है और ये इसमें आगे ये जो हैं पाइप्स वाले वो बीड्स लगे हुए हैं इसमें, ये तो काफ़ी अच्छे से लगे हुए हैं, खैर ये तो उतर नहीं रहे हैं तो ये तो अच्छे से ग्लू किए हुए हैं। बट इस क्लच की जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये सिर्फ ना एक ही साइड लगे हुए हैं जो ये पाइप्स हैं, दूसरी साइड कुछ है ही नहीं। तो जब मैंने तो ये सोच के ऑर्डर किया था ये कॉम्बो कि दोनों साइड होंगे ये, बट ये एक साइड पूरा मटेरियल लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे कैरी करूँगी तो यहाँ से तो बिल्कुल ही ये बेकार लग रहा है, यहाँ से तो फिर भी अच्छा लग रहा है और इसकी ये भी अच्छी है बट बैक साइड से बिल्कुल बेकार लग रहा है। ये दोनों तरफ तो होने चाहिए थे कम से कम, एक ही साइड लगे हुए हैं बट एक साइड लगे हुए हैं, ये हैंग और ये अच्छे से लगा रखे इन्होंने, ये नहीं उतर उतर के गिर रहा है। बाकी इसमें भी चेन है, चेन हमें मिल जाती है, चेन की क्वालिटी अच्छी है, चेन स्टर्डी है। ये भी सेम ही साइज़ का है जो सिल्वर वाला था, सेम साइज़ का है, स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है अंदर और ये हमें चेन मिल जाती है तो एज अ स्लिंग बैग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट वो ये है इसमें अगर हमें ये अच्छे से मिल जाते हैं ग्लू लगा के फिर इस साइड दूसरी साइड पे ये नहीं लगाए हुए हैं, तो ये दोनों क्लच का कॉम्बो मुझे 500 के अप्रोक्स पड़ा है, मतलब 250 ईच। तो 250 ईच में दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आधे तो चमचम मेरे हाथ में आ चुके हैं इसके और ये वाले में एक साइड ही ये लगे हुए हैं पाइप्स, दूसरी साइड है ही नहीं। तो ये तो मैं नहीं रखने वाली हूँ, इनको मैं वापस करने वाली हूँ। अगर आप लोग ये कॉम्बो परचेज करना चाहते थे तो मैंने अपने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं,
मैं तो इनको वापस करने वाली हूँ, मैं नहीं रखने वाली हूँ। ये था मेरा आज का मीशो क्लचेस कम स्लिंग बैग हॉल। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने हमेशा की तरह अपने जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो मैं इस तरह की हॉल आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।